सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। शुक्रवार 29 जून को भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला गया था। भारतीय टीम ने इस मैच को अपने शानदार प्रदर्शन के चलते 143 रनों के अंतर से जीत लिया था। भारतीय टीम ने इस मैच के साथ सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है। मैट का बैग और ड्रिंक्स लेकर धोनी पहुंचे थे मैदान पर। आपको बता दें कि इस मैच के दौरान जब मनीष पांडे और सुरेश रैना की बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ड्रिंक्स और बैट लेकर मैदान पर आए। दरअसल MS धोनी इस मैच में नहीं खेल रहे थे। टीम मैनेजमेंट ने MS धोनी को आराम देकर इस मैच में दिनेश कार्तिक को मौका दिया था। धोनी को अपने साथी खिलाड़ियों को ड्रिंक्स पिलाते देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वो मनीष पांडे के लिए बल्लों से भरा बैग भी मैदान पर लेकर आए। बोर होने की वजह से आए थे मैदान पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप मैदान पर ड्रिंक्स लेकर क्यों आए थे, तो इसके जवाब में महेंद्र सिंह धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देखने से मैं बोर हो रहा था, यही वजह थी कि मैंने मैदान में ड्रिंक्स ले जाने की सोची। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने अपने साथी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। धोनी ने कहा, हम सभी लोगों के प्रयास की बदौलत हम आयरलैंड को उसी धरती पर 2-0 से हराने में कामयाब रह पाए हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।